नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी दो तरीके का चाट, एक आलू टिक्की मटर चाट और एक पापड़ी चाट। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, चाट बनाने के लिए भिगोया हुआ मटर ली हूँ तीसरे में बॉयल होने के लिए। कुकर में डाल देती हूँ। नमक दे देती हूँ, मैं कम ही अभी नमक डालूंगी क्योंकि बाद में नमक डालना है। हल्दी, थोड़ा सा मसाला डालूंगी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इसे दे देती हूँ। अब मैं पानी दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी देने का ज़रूरत नहीं है। मैं आलू का टिकिया बनाऊंगी तो इसी में आलू को भी बॉयल होने दे देती हूँ। अब मैं ढक के चूल्हे में चढ़ा देती हूँ। तो मैं कुकर को चूल्हे से उतार ली हूँ, मैं दो सीटी लगाई हूँ। अब ढक्कन खोल रही हूँ, बॉयल हुआ है कि नहीं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, आलू भी फट गया है। तो आलू को मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं मटर को भी एक दूसरे बर्तन में ले लेती हूँ। तो देखिए चाट के लिए मटर भी तैयार हो गया। अब मैं टिकिया बनाने का तैयारी करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, टिकिया बनाने के लिए आलू को छीलकर इस तरह करके मैश कर ली हूँ। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसी में थोड़ा सा मैं मसाला डालूंगी, गोल मरीच पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तब अच्छे से मिला लेती हूँ। मैं नमक देना भूल गई थी, थोड़ा सा नमक दे देती हूँ, थोड़ा सा मिला लेती हूँ। तो देखिए अच्छे से मिला ली हूँ। अब इसे मैं छोटा छोटा गोल गोल करके फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई गरम हो गया है, तेल दे देती हूँ। थोड़ा सा तेल को फैला देती हूँ। अब आलू को मैं छोटा छोटा गोल गोल करके तेल में डाल देती हूँ। मैं इतना ही सारा डालूंगी, एक तरफ होने देती हूँ। एक तरफ हो गया है, पलट देती हूँ। ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही फ्राई करना है। इसी तरह करके मैं उलट पलट कर फ्राई करके निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, आलू का टिकिया बन के रेडी है। तो अब मैं चाट बनाने का तैयारी करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं दो प्लेट ली हूँ, मैं दो तरीके का चाट बना के दिखाऊंगी, एक टिक्की मटर चाट और एक पापड़ी चाट। तो पहले मैं टिकिया मटर चाट बनाऊंगी। तो पहले टिकिया को दे देती हूँ, अब इसके ऊपर मटर को दे देती हूँ। अब भुना हुआ मसाला दे देती हूँ, जीरा, धनिया और मिर्ची। बीट नमक को दे देती हूँ। अब इमली पानी दे देती हूँ। अब मीठा गुड़ का चटनी दे देती हूँ। ये पापड़ी को मैं खुद बनाई हूँ, इसे दे देती हूँ। देखिए कितना कुरमुरा हुआ है।
अब इसके ऊपर मैं सलाद दे देती हूँ, खीरा, गाजर, बीट, प्याज, हरा मिर्ची, थोड़ा सा सेव दे देती हूँ, तो मटर टिकिया चाट बन के रेडी हो गया। तो अब मैं पापड़ी चाट बना लेती हूँ। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए पहले मैं मटर को दे देती हूँ, और एक टिकिया दे देती हूँ, और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब इसे मिलाकर साइड में रख देती हूँ। तो एक प्लेट ली हूँ, अब इसमें पापड़ी को सजा देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं दे देती हूँ मटर को। भुना हुआ मसाला दे देती हूँ। बीट नमक, गुड़ का चटनी, इमली का पानी। अब इसके ऊपर सलाद दे देती हूँ, गाजर, बीट, खीरा, प्याज, कच्चा मिर्चा। इसके ऊपर और थोड़ा सा पापड़ी को चूर चूर करके दे देती हूँ। थोड़ा सा सेव दे देती हूँ। तो देखिए पापड़ी चाट भी बन के रेडी है। देखिए दोस्तों, दो तरीके का चाट बन के रेडी है। तो मेरा चाट बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ हमारी नई वीडियो में।